वेलकम टू हैरीज व्लॉग्स। आज है 12th of May। 3 दिन पहले मैंने बता दिया था कि मैं आज वीडियो डालूंगा। यस, ये है विस्तारा का बिजनेस क्लास और ये रिक्लाइनर वाला बिजनेस क्लास है जो 180 डिग्रीज रिक्लाइन हो जाता है, ठीक है ना। आपको मैंने पहले भी बोला था कि कॉन्टेंट थोड़ा लेट आ सकता है, लेकिन आई मेक श्योर बेस्ट कॉन्टेंट आए। यस, सो गाइस फाइनली गॉट माय बोर्डिंग पास। व्लॉग देखना स्टार्ट कर रहे हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर दबाना। एनीवे, दिस इज A321। तो ये जो एयरक्राफ्ट है ये थोड़ा सा मतलब बड़ा है। वाइड बॉडी एयरक्राफ्ट इसको एग्जैक्टली नहीं बोल सकते, बट हाँ कंपैरेटिवली ये एयरक्राफ्ट बड़ा है A320 से। और इसका जो बिजनेस क्लास है दैट इज एक्सेप्शनल। मतलब आप बोल सकते हो कि इट इज इक्वल टू बोइंग 777 का जो बिजनेस क्लास होता है ना, 180 डिग्री रिक्लाइनर। मैंने बहुत पहले ट्रैवल किया था प्रीमियम इकोनॉमी में और मैंने तब कहा था आपको मुझे मौका मिलेगा मैं जरूर इसमें ट्रैवल करूंगा, 180 डिग्री रिक्लाइनर इन बिजनेस क्लास ऑफ विस्तारा। एक और चीज बोलना चाहता हूँ कि ब्लॉग आई नो भले ही 5 दिन बाद आ रहा है, मैंने पिछले 6 महीने से बहुत कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखी थी, लेट आ रहा है, बट आई मेक श्योर कि ब्लॉग बहुत ही कमाल का हो। तो हाँ, लाइक जरूर करना एंड लेट्स मेक इट 20,000 likes in this video। कमेंट करके अपने प्यारे प्यारे फीडबैक जरूर देना। और मैं हैदराबाद क्यों जा रहा हूँ ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, एंड मैंने टिकट कितने की ली ये भी मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा। मैं अभी दिल्ली एयरपोर्ट में हूँ। यहाँ पे बिजनेस क्लास टिकट लेने का बहुत फायदा होता है बिकॉज आपको सिक्योरिटी डिफरेंट मिलती है। तो भाई साहब लाइन नाम की चीज नहीं है इधर, लाउंज तो आपको 100% मिलता ही है, ये कोई नई चीज तो है नहीं कि मैं आपको बताऊँ अगर आप परचेज करते हो टिकट। कोइंसिडेंटली जितनी बार भी मैंने ट्रैवल किया है Terminal 3 से इंडिया में, एयर इंडिया में किया, Terminal 3 से एयर इंडिया में मैंने बिजनेस क्लास में ट्रैवल किया है इन द पास्ट 2-3 times, और एक बार फर्स्ट क्लास में किया है जो आपने लास्ट वाला वीडियो देखा एंड जिसको आपने बहुत प्यार दिया। दिस इज द फर्स्ट टाइम मैं दूसरी एयरलाइन में ट्रैवल कर रहा हूँ बिजनेस क्लास के दिल्ली टर्मिनल 3 से, तो जो लाउंज मिलने वाला है दैट इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। अब हम जा रहे हैं दूसरे लाउंज, पहले मैं एयर इंडिया के लाउंज ही जाता था लेकिन अभी जो है विल गो टू डिफरेंट लाउंज। लाउंज होगा ऊपर तो वहीं जा रहे हैं, पहले हम यहाँ जाते थे। अभी फिलहाल खाली है एयरपोर्ट काफी, हमारी फ्लाइट है 7:20 की। मैं डेलिबरेटली थोड़ा जल्दी आया हूँ, 2 घंटा लाउंज एक्सप्लोर करेंगे आराम से क्योंकि भाई इतना पैसा दिया तो कुछ तो वसूल है। अभी जाते हैं ऊपर, अब लाउंज देखते हैं। ये फूड कोर्ट भी है ऊपर तो लाउंज में देखता हूँ किधर है। सो गाइस दिस इज द लाउंज और ये ऑलमोस्ट डेडिकेटेड है विस्तारा के बिजनेस क्लास पैसेंजर्स के लिए, ठीक है ना। मतलब बाहर का सब कुछ देख सकते हो, काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट है। ये है खाने पीने का एरिया, खाने पीने का सेक्शन, यहाँ पे बॉटल वगैरह पानी वगैरह की दी हुई है। एंड वो है डाइनिंग एरिया, उसके आगे बहुत ही एवरेज बहुत छोटा लाउंज है। दिस इज द बार एरिया जहाँ पे आपको अल्कोहल सर्व नहीं होती है, पता नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने मना किया है बट आई एम नॉट श्योर। ये जूसेस वगैरह दिए हैं, डाइट कोक वगैरह है, फैंटा वगैरह दिए है। दिस इज द एरिया, यहाँ देख लो भाई, यहाँ पे चिल करना है आपको। बहुत छोटा लाउंज, डाइनिंग एरिया तो आपने देख ही लिया, व्लॉग के स्टार्ट में दिखाया वो डाइनिंग एरिया है। मैं आपको दिखाता हूँ एक्चुअली मिल क्या क्या रहा है सुबह ब्रेकफास्ट में। तो मैंने ये पाइनएप्पल जूस लिया है, तो एक बार मेन्यू देख लेते हैं। यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह दिए हैं, वाटरमेलन, मस्क मेलन, टमाटोज दिए हैं अलग सेपरेटली, और साउथ इंडियन में कोकोनट चटनी, पीनट चटनी जो कि मैं खाने वाला हूँ, साथ में इडली वगैरह लूंगा, सांभर वगैरह है। यहाँ पे छोले ये हैं, एक्चुअली छोले कुलचे भी दिए हैं, थोड़ा नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, और ये थोड़े से सॉसेजेस दिए हैं जो कि थोड़ा सा इंग्लिश हो गया, और यहाँ पे बनाना वगैरह दिए हैं, चौकोस वगैरह। तो मेन्यू मुझे बहुत ही कम लगा, बहुत ही एवरेज लगा, बहुत ही लिमिटेड ऑप्शंस हैं। खैर जो बार एरिया है वो मतलब सॉफ्ट ड्रिंक एरिया है बेसिकली। ये है सीटिंग लाउंज जहाँ पे आप बैठ सकते हो, सॉकेट्स वगैरह भी दिए हैं जहाँ पे अपना कैमरा या फोन वगैरह चार्ज कर सकते हो, और लैंप्स वगैरह दिए हैं बगल में रीड करने के लिए। तो दिस इज द ओवरऑल लाउंज। अभी जो है ना मैं इडली सांभर लूंगा एंड देन वी विल टेस्ट कि भाई खाना कैसा है। ब्रेकफास्ट तो मैंने किया नहीं है, हालांकि फ्लाइट में मिलेगा ऑफ कोर्स काफी कुछ मिलेगा, बट फिर भी इडली सांभर तो ऐसा है ना लाइट रहता है और थोड़ा सा मतलब हैवी भी नहीं लगता, खाना भी अच्छा होता है। ब्रेकफास्ट तो आपने देख लिया था क्या क्या है, लेकिन मैंने ब्रेकफास्ट में अभी ये लिया है। दिस इज सांबर, दिखने में काफी टेस्टी है। दिस इज चॉकलेट मफिन, ये चटनी काफी टेस्टी लग रही थी, और ये कोकोनट चटनी। ट्राई करते हैं पहले, देखते हैं भाई ये इडली कैसी है। काफी टेस्टी लग रही है, काफी गर्म है, फ्रेश तो है नो डाउट। ऑप्शन हालांकि बहुत ही कम है जैसे कि मैंने बोला, बट दिखने में काफी बढ़िया है। तो जो चटनी है ना काफी डिफरेंट है, मुझे लग रहा था कि थोड़ी स्वीट होगी मतलब टोमेटो चटनी जैसे, कम्प्लीटली डिफरेंट। थोड़ा सा मसाला है इसमें, मसाला ज्यादा है तो हल्की सी तीखी है बोल सकते हो। ओवरऑल थोड़ा सा ना सांभर डालते हैं, अब ट्राई करते हैं इसको, देखते हैं अब कैसा लगता है।
सांभर के साथ थोड़ा बेटर लग रहा है, हालांकि आई वुड गिव अराउंड 8.5/10 मतलब बढ़िया है, ठीक है, ओके ओके है, बिजनेस क्लास के हिसाब से एवरेज है। एनीवे खत्म करता हूँ इसको। ये कपकेक भी बिल्कुल फ्रेश नहीं है, बिल्कुल भी फ्रेश नहीं है, और टेस्टलेस है बिल्कुल। इसको मैं ऐसे छोड़ने वाला हूँ। वॉशरूम भी नहीं है लाउंज के अंदर, मतलब काफी डिसअपॉइंटिंग है। ये सौरभ जी मिले हैं, ये हमारे सब्सक्राइबर हैं। बस मैं ऐसी वॉशरूम ढूंढने आ रहा था जो कि अंदर नहीं था, तो भाई मिल गए मुझे और हमारी भी बातें हो रही हैं। बता रहे हैं सौरभ जी इन्होंने कौन सा मेरे वीडियो देखे हैं और मैं मतलब इनसे डिस्कस कर रहा हूं। एंड इनको भी एयर इंडिया से काफी प्रॉब्लम है। मैं जिनसे मिलता हूँ उनको एयर इंडिया से कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है, बट इट इज इम्प्रूविंग। इट इज इम्प्रूविंग, शायद एक दो साल के अंदर काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगी एयर इंडिया के अंदर। मे बी जो गोल है एयर इंडिया का वो ये है कि हम इंटरनेशनल डेस्टिनेशन बने, सब इंडिया है और इंडिया से दुनिया जाए। हाँ, वो सारी कंट्रीज चाहती है, वो सारी कंट्रीज चाहती है। सऊदी अरेबिया भी चाहती है कि वो सेंटर बन जाए, तो जेद्दा को उन्होंने सेंटर बनाना चाह रहे हैं। भाई अभी इसराइल गए थे, ठीक है, वहाँ इंसिडेंट बता रहे हैं कि जो इसराइली लोग होते हैं कितने ज्यादा फ्रेंडली होते हैं। टैक्सी में ना ये देखो एक गाना चला रहे हैं, दोस्त दोस्त ना रहा, और खुद भी गा रहे हैं टैक्सी ड्राइवर। मैं इनको बोल रहा हूँ कि अगर मुझे मौका मिला मैं जरूर जाऊंगा इसराइल, बट हाँ अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि डॉक्यूमेंटेशन क्या क्या होती है इसराइल की। That is the boarding gate 50. Finally, भाई boarding gate के पास पहुंच गए and अभी हो रहे हैं 7. We are dot on time. अगर ये बड़ा प्लेन होता 777 boarding gate भी हो सकता है डिफरेंट होता, जाने का रास्ता तो completely डिफरेंट होता। Anyway, this is A321. फाइनली अपनी सीट पे आ गया। ओ भाई दिस इज सम हैक ऑफ एन एक्सपीरियंस। दिस इज विस्तारा बिजनेस क्लास रिक्लाइनर सीट। मेरी सीट है 3F। अगर मैं फर्स्ट लुक की बात करूं, इट एक्चुअली लुक्स प्रीमियम। एक एक करके देखेंगे क्या क्या आया इसके अंदर। तो मेरी सीट है 3F, आई होप मेरे बगल में कोई ना आए। लेग स्पेस तो आप पूछो नहीं, ये बिजनेस क्लास का मतलब एक बहुत ही अपग्रेडेड वर्जन है, तो लेग स्पेस इसमें बहुत ही कमाल की है। और एक चीज जो मुझे दिख रही है सबसे सामने वो है ये है हेडफोन्स, काफी प्रीमियम लग रहा है। ऊपर विस्तारा का लोगो वगैरह बना हुआ है, तो इसको खोल के देखेंगे, चेक करेंगे कैसा है कैसा नहीं। और ये है IFS, ऑफ कोर्स टच स्क्रीन है एंड टच काफी बढ़िया है। दिस इज हैंगर, यहाँ पे चाहो तो कुछ रख सकते हो मोबाइल वगैरह अपने कंफर्ट के लिए। शूज नीचे रख के यू कैन कम्प्लीटली रिक्लाइन टू 180 degrees, तो हाँ यही खासियत है इसकी। और दो दो विंडोज मिल जाती हैं आपको। पीछे अगर मैं बोलूँ तो दैट इज चार्जिंग सॉकेट, ऑक्स केबल भी वहीं पे है। ये है रीडिंग लैंप्स, दिस इज हैंड रेस्ट। तो अगर मैं बात करूँ फर्स्ट लुक की, इट इज रियली 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 गुड। फर्स्ट लुक 10/10। तो अभी हमको मिला है ये मेन्यू, बिजनेस क्लास मेन्यू, इसको हम आराम से देखेंगे। बट बिफोर दैट वी हैव गॉट दीज वेलकम ड्रिंक्स, देखते हैं ये क्या है। इट लुक्स लाइक सम बेरी स्मूदी, काफी बढ़िया, काफी हेल्दी लग रहा है। चिया सीड्स भी हैं इसके अंदर, इट्स रियली गुड। वन मोर थिंग, अगर आपको रिक्लाइन करना है तो आप इसको यूज कर सकते हो। इसकी एक एक फीचर्स मैं आपको बताऊंगा आराम से व्लॉग के बीच में, क्योंकि अभी रिक्लाइन करूंगा मतलब नहीं है, बिकॉज टेक ऑफ करना है। तो ये है IFS कंट्रोलर, PSP जैसा लगता है, अगर आपने बचपन में PlayStation पोर्टेबल खेला है तो कुछ वैसा लुक है इसका। आई थिंक टच स्क्रीन भी है, जिसमें बटन्स वगैरह भी दिए हैं, उसको भी आप यूज कर सकते हो, गेम्स खेल सकते हो, टीवी शोज देख सकते हो, चाहो तो बड़ी स्क्रीन में देखो चाहे छोटी स्क्रीन में, चॉइस इज योर्स। इसको भी हम आराम से एक्सप्लोर करते हैं टीवी शोज को। जो विस्तारा का टोटल सॉफ्टवेयर है ना, इट इज रियली गुड, काफी स्मूथ सॉफ्टवेयर है, हैंग नहीं होता है। जो इसमें एंटरटेनमेंट कंटेंट है दैट इज आल्सो रियली गुड, टच स्क्रीन इज अमेजिंग। शार्क टैंक इंडिया भी है, मेरा फेवरेट शो है। चाहो तो कैबिन क्रू को यहाँ से बुला सकते हो, ये कैबिन क्रू के लिए है। चाहो तो लाइट्स चालू कर सकते हो, रीडिंग लैंप्स, चाहो तो IFS बंद भी कर सकते हो। सेटिंग्स का भी ऑप्शन है, डिस्प्ले सेटिंग्स, रीडिंग लाइट, किड्स मोड भी है, मैप्स वगैरह भी है, तो अगर आप फ्लाइट की लोकेशन देखना चाहते हैं तो वो भी देख सकते हो। एंड दिस इज होम बटन, म्यूजिक, लाइव टीवी, माय फ्लाइट, दिस इज द मैगजीन होल्डर जो कि मैं नहीं रीड करने वाला हूँ। टॉकिंग अबाउट द एयरक्राफ्ट, सो दिस इज A321NX। मैंने आपको पहले ही बोला था कि ये जो है ना इसका बिजनेस क्लास इज समथिंग लाइक एक्स्ट्राऑर्डिनरी। तो अभी आपको लग रहा होगा कि भाई ट्रे टेबल किधर है, दिखा रहा हूँ, एंड इसका ट्रे टेबल भी जो है काफी ज्यादा बढ़िया है। में
मेन्यू जो रहता है ना बिजनेस क्लास का डिफरेंट, प्रीमियम इकोनॉमी का डिफरेंट, और इकोनॉमी वालों को नहीं मिलता है। आई पर्सनली फील जो मेन्यू ऑप्शंस हैं वो काफी ज्यादा लिमिटेड हैं। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है आई डोंट नो, कम लग रहे हैं फॉर सम रीजन। और आप लोग स्क्रीनशॉट बना लो बिकॉज आप लोगों को मेन्यू देखने का बहुत शौक है। फ्रूट्स वगैरह हैं, मैंने ऑर्डर किया है स्पिनच ऑमलेट विदाउट सॉसेजेस, तो वेजिटेरियन डिश रहेगी। एक बढ़िया चीज़ है कि कैलरीज मेंशनड है। दीज आर दी हेडफोन्स, इट लुक्स प्रीमियम, काफ़ी बढ़िया क्वालिटी के लग रहे हैं। बट जो मेन कंपनी होगी इन हेडफोन्स की, मे बी सेनाइजर और बोस के तो नहीं है, ये इन्होंने छुपा दिए है। इट रियली लुक्स प्रीमियम, इसका बेस वगैरह काफ़ी बढ़िया लग रहा है। फाइनली वी आर टैक्सिंग टूवर्ड्स द रनवे। एक बार टेक ऑफ करें भाई साहब, इतने सारे फीचर्स हैं, एक एक करके और डिस्कस करेंगे। अगर मेरा हाथ ना पहुंचे स्क्रीन तक, यहाँ से बैठे बैठे एवरीथिंग आई कैन कंट्रोल, देखते हैं फ्लाइट इन्फॉर्मेशन में। और ये सॉफ्टवेयर बहुत कमाल का है। तो ये आ गई पूरी फ्लाइट इन्फॉर्मेशन, मैंने यहीं से यूज कर लिया। चाहता तो मैं आगे टच स्क्रीन से भी यूज कर सकता था, यही फायदा है। दीज आर दी सीट कंट्रोल्स। तो मेरे जो लेफ्ट में देख रहे हो ना, ये लेफ्ट साइड वाला, इसमें आप एडजस्ट कर सकते हो, बेसिकली आगे करना है पीछे करना है जितना अपने हिसाब से। अगर ये प्रेस करते हो तो एक ही बार में फ्लैट बेड हो जाएगा, जिस पे आप आराम से सो सकते हो। इफ यू प्रेस दिस तो ये टेक ऑफ लैंडिंग वाली पोजीशन आ जाएगी। जो सीट क्वालिटी है दैट इज एक्सीलेंट। और चाहो तो इसको सेमी रिक्लाइन भी कर सकते हो। मेरे पास एक फीचर है जिसमें से ये चीज आगे हो जाएगी, आप आराम से, आपको लगेगा जैसे आप कोई बीच में लेटे हुए हो, तो वो भी एक चीज है। तो एक चीज मुझे बहुत बढ़िया लगी, मतलब बहुत ज्यादा स्पेस है, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस, यहाँ पे स्पेस हैंड रेस्ट के लिए, और यहाँ पे भी स्पेस है, एंड यहाँ पे आप चाहो बॉटल वगैरह भी रख सकते हो, बॉटल होल्डर भी दिया है। बहुत कमाल की स्पेस मिल जाती है गाइस। तो अगर ये आ जाए समझ जाओ ब्रेकफास्ट आने वाला है। ब्रेकफास्ट खाएंगे अच्छा खासा, उसके बाद नैप लेंगे 40,000 फीट पे, फुल 180 डिग्री, मतलब 180 डिग्री रिक्लाइन पे। एक बार मैंने गलती से 180 डिग्री सेल्सियस कह दिया अपने एमिरेट्स वाले वीडियो में, लोगों ने बहुत खिंचाई की, मुंह से निकल जाता है फ्लो में, बिकॉज इतनी सारी इन्फॉर्मेशन रहती है, कई बार इधर का उधर हो जाता है। और ब्रेकफास्ट इज हियर फाइनली, आए हुए तो 5 मिनट हो गए, लेकिन भाई साहब मेरे को थोड़े बहुत शॉर्ट्स लेने थे। ऑमलेट है ये मशरूम्स है, हैश पोटेटो है, और ये है आई थिंक प्लेन क्रोजॉन लग रहा है, और ये है सीजनल फ्रूट जो कि थोड़े कम लग रहे हैं मुझे। स्टार्ट करते हैं ब्रेकफास्ट, काफी भूख लग रही है। सो दिस इज ओवरऑल 312 कैलोरीज। तो स्टार्ट करते हैं पहले ऑमलेट से, काफी बढ़िया लग रहा है। और सबसे बेस्ट पार्ट पता है क्या है, ये जो ट्रे टेबल है ना ये एडजस्ट हो जाता है, ये सबसे बेस्ट पार्ट है। क्रेजी गाइज, टू गुड, ट्रेड 10/10। इसके अंदर कुछ वेजीज भी हैं, लेकिन थोड़ी डिफरेंट वेजीज हैं। कैरेट वगैरह मिलेगा ऑमलेट के अंदर, मशरूम्स भी मिलते हैं ऑमलेट के अंदर, बट इसमें हमको मशरूम सेपरेटली मिले हैं। ट्राई करते हैं ये मशरूम्स, फिर बढ़िया लग रहे हैं, काफी फ्रेश लग रहे हैं। तो ये मशरूम्स के अंदर बहुत सारा पेपर है, कैप्सिकम्स भी हैं, फ्लेवर थोड़ा इटालियन आ रहा है इसके अंदर, काफी डिलीशियस हैं। आई वुड गिव अराउंड 9.5/10 स्ट्रेट। ऑमलेट तो गाइस पूछो ही नहीं, बहुत ही कमाल का है। ट्राई करते हैं ये हैश पोटैटो वाला, इंग्लिश ब्रेकफास्ट है और मेन्यू तो आपने देख ही लिया था, भुर्जी वगैरह भी थी। कुछ इतना डिफरेंट नहीं है, आपको मैकडॉनल्ड्स अगर आप जाओगे ना सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के लिए, काफी बढ़िया है। दिस इज द ओवरऑल ब्रेकफास्ट, टेस्टी बहुत ज्यादा। ये आई थिंक हनी दिया है हमको, ये क्रोजॉन के साथ यूज होगा, आई थिंक सो इसके साथ यूज होगा, एंड दिस इज प्लेन क्रोजॉन। उतना सॉफ्ट नहीं है बट ठीक है, नॉट बैड। टॉकिंग अबाउट द फ्रूट्स, तो इसमें कीवी है, एप्पल है, ग्रेप्स है, पपाया लग रहा है। हालांकि फ्रूट्स काफी कम भी हैं, और इसमें ड्रैगन फ्रूट भी होता है लेकिन वो नहीं दिया है, बट ये सीजनल फ्रूट है तो सीजन के हिसाब से जो भी होगा। तो कीवी वॉज रियली फ्रेश, काफी बढ़िया था। ओवरऑल फ्रूट इज गुड। आई पर्सनली थिंक कि पानी की जगह कुछ जूस डाल के ला सकते थे बाय डिफॉल्ट। कटलरीज काफी प्रीमियम लग रही है, और स्पून वगैरह भी दी है, एंड कॉफी जो है इसके बाद आने वाली है। आई थॉट फ्रूट्स जो है फ्रेश होंगे, फ्रूट्स फ्रेश नहीं है। एप्पल हल्का हल्का स्टील है।
तो आप चाहो तो ब्लैंकेट्स अलग से मंगवा सकते हो एंड द ब्लैंकेट क्वालिटी इज क्वाइट गुड बट नाउ इट्स टाइम टू स्लीप. No, I'm not alright, I'm just barely getting by. But I'll tell you I'm just fine, so you leave me alone. They say I'm way too obsessed and I've got no. तो अभी आई हमारी कॉफ़ी एंड स्टारबक्स की कॉफ़ी है ये बेसिकली. तो मेन्यू में मेंशन भी था स्टारबक्स एंड स्टारा का कोलैबोरेशन है गाइस, दोनों टाटा के प्रोडक्ट्स हैं. This is the washroom. कोई difference नहीं है, बिल्कुल same है, no difference. Tissue papers हैं यहाँ पे, tap वगैरह दिया है, soap dispenser वगैरह, dustbin है ये. ये वो क्रू आई थी, उन्होंने बोला कि आपने एयर इंडिया पे वीडियो बनाई है ना, तो मैंने बोला हाँ. तो कहती हैं कि yes, I have seen your videos. The experience भी काफ़ी बढ़िया ही रहा फ्लाइट का, ओवरऑल इट वॉज गुड एक्सेप्ट फ्रूट्स. फ्रूट्स के अलावा एवरीथिंग वॉज गुड. विस्तारा का A321 प्लेन है, चेक कर सकते हो एक्चुअली. तो भाई साहब बिजनेस क्लास में लेना बहुत वर्थ है. आपको पता ही होगा कि अभी अभी न्यूज़ आई है, कुछ सालों बाद जो विस्तारा है वो कन्वर्ट हो जाएगा एयर इंडिया में. जितनी भी फ्लाइट्स आपको दिख रही हैं ये शायद एयर इंडिया ऑपरेट करेगा. मतलब ये वीडियोस देख सकते हो 3-4 साल बाद. दिस द होल विस्तारा ब्रांड विल बी अ हिस्ट्री. सर्विस वगैरह एवरीथिंग विल बी सेम एक्सेप्ट इट वोंट बी विस्तारा, वो एयर इंडिया हो जाएगा. फाइनली सामान लेके निकलते हैं होटल, और होटल जाके जब मैं व्लॉग एंड करूँगा मैं आपको बताऊँगा कि टिकट मैंने कितने की ली. अपार्ट फ्रॉम दैट मैं हैदराबाद क्यों आया हूँ, तो आगे के 3-4 वीडियोस बहुत बहुत मस्त होने वाले हैं. ये ना ओला पिकअप पॉइंट है, काफ़ी ऑर्गेनाइज लग रहा है हैदराबाद का सिस्टम. बैंगलोर इज़ लाइक थोड़ा ज़्यादा अनऑर्गेनाइज है. जाते हैं होटल, थोड़ा रेस्ट करते हैं, और ये व्लॉग आज ही लाइव करूँगा कल, क्योंकि भाई साहब कल जो है ना तबाही कंटेंट आने वाला है. तो होटल में आ गया था, और आप लोग सबको जानना है कि भाई साहब ये प्राइस कितने का था. तो लेट मी टेल यू, ये टोटल जो प्राइस था दिल्ली से लेकर हैदराबाद तक वो था अराउंड 16,200 रुपीज का. पहले मैंने ली इकोनॉमी एज यूजुअल लगभग अराउंड 6,500 की, फिर उसको मैंने अपग्रेड कराया लगभग 10,000 रुपए एक्स्ट्रा दे के. तो कह सकते हो 16,000 रुपए में बिजनेस क्लास कि ये टिकट आई थी. अगर आप डायरेक्टली लेते तो आपको ये 27,000-28,000 की पड़ती आराम से. तो दिस इज द चीपेस्ट अगर आपको ट्रैवल करना है बिजनेस क्लास में, या अगर आपके पास कार्ड है, क्रेडिट कार्ड है एक्सेस का वो विस्तारा वाला, या फिर अगर आपके पास बहुत सारे पॉइंट्स है रिवॉर्ड पॉइंट्स तो उसके थ्रू आप बुकिंग कर सकते हो. मेरा फिलहाल ये मैंने आपको बता दिया प्राइस, बहुत ज्यादा है आई नो, लेकिन एक बात बता दूं ये जो रिक्लाइन वाला बिजनेस क्लास है ना ये बहुत ही कमाल का था. द होल एक्सपीरियंस वॉज गुड. फूड ने थोड़ा डिसअपॉइंट किया मुझे लाउंज में फूड जो था उसकी जो मतलब जो वैरायटी थी बहुत ही कम थी. इवन एयरक्राफ्ट में भी फ्रूट्स थोड़े ख़राब थे, उसके अलावा एवरीथिंग वॉज गुड. अब आप सोच रहे होगे कि मैं हैदराबाद क्यों आया हूँ, तो जनाब हैदराबाद में है कल मैच SRH वर्सेस लखनऊ सुपर जायंट्स. तो अपन देखेंगे मैच. जो मैच देखेंगे ना वो नॉर्मल तरीके से नहीं देखने वाले हैं, बहुत ही कमाल तरीके से देखने वाले हैं. तो आई थिंक मैंने इनफ हिंट्स दे दिए. अगर यहाँ तक व्लॉग देखा है तो लाइक ज़रूर करना प्लीज़, लेट अस मेक दिस 20,000 लाइक. आपके एक लाइक, आपके सपोर्ट, आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स की वजह से आई पुश माई सेल्फ कि मैं और अच्छा कॉन्टेंट क्रिएट कर सकूँ आप लोगों के लिए. बहुत दिमाग लगता है इसके पीछे, बहुत पैसे भी लगते हैं सीरियसली. जो भी है आई लव मेकिंग वीडियोज एंड मैं आगे भी करता रहूँगा, ठीक है. बट आपको आपका फर्ज निभाना है, इस वीडियो को शेयर करना है जितना हो सके उतना शेयर करना है, नीचे कमेंट्स करना है, लाइक ज़रूर करना है, ठीक है. सी यू इन द नेक्स्ट व्लॉग, बाय.